नमस्कार, आप सभी का हमारे इस प्रसारण गृह में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज बहुत ही खुशी और सौभाग्य की बात है कि आचार्य प्राचार्य डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे बीच हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप बहुत से पुरस्कारों से भूषित विभूषित हो चुके हैं। आप पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं। ऐसे संस्कृत के चिंतक, अध्येता, महान लेखक आज हमारे बीच हैं, तो आइए इनकी लेखन यात्रा से आप सभी को परिचित और रूबरू करवाते हैं। सर्वप्रथम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने आरंभिक जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को परिचित कराएं। देखिए, मेरा लेखन बहुत ही कम उम्र में प्रारंभ हो गया था। जब मैं अभी 11.5 वर्ष का था तो मेरी एक संस्कृत कविता षड ऋतु वर्णनम इस नाम से, तब जयपुर से प्रकाशित होने वाली संस्कृत पत्रिका संस्कृत रत्नाकर हमें प्रकाशित हुई थी, जिसके यशस्वी संपादक महामहोपाध्याय भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी ने अपनी संपादकीय टिप्पणी में मेरी उम्र का उल्लेख किया था कि ये कविता 11.5 वर्ष के बालक ने लिखी है। वो कविता यात्रा वहाँ से प्रारंभ हुई और फिर अनेक महाकाव्यों, खंडकाव्यों, प्रबंध काव्य, पत्र काव्य में से होती हुई अब एक विश्व महाकाव्य की ओर उन्मुख हो चली है। अब मैंने उसका कविता के विषय में एक बात और आपको बतानी है, वो ये है कि उस कविता में 15 पद्य हैं और 15 में 2 जो हैं वो युग्मक हैं, यानी आप इसमें वाक्य संरचना की दृष्टि से दोनों ही परस्पर जो वो संपृक्त हैं, इसलिए दोनों में एक ही छंद का प्रयोग होना आवश्यक था। अन्यथा उन 15 पद्यों में 14 विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया, एक बात। और दूसरी बात ये है कि उन छंदों का भी विषय की दृष्टि से, जिस विषय का उस पद्य में वर्णन किया गया है उस दृष्टि से के अनुकूल छंद का प्रयोग किया गया। जैसे वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु में नाचते हुए जो मोर हैं उनका वर्णन मत्तमयूर छंद में किया गया। ये सब 11.5 वर्ष की अवस्था में, जबकि बच्चों को अभी क्या शास्त्र का ज्ञान, क्या छंद का क्या ज्ञान हो सकता है, लेकिन ये कुछ प्रभु कृपा थी या पूर्व जन्म के संस्कार थे, इस रूप में ही जी इसको व्याख्यायित किया जा सकता है। अब मत्तमयूर छंद कतिपय क्लिष्ट छंदों में से है संस्कृत, उसका एक पद्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। रम्ये रण्ये सप्रमदं काममटन्तो मन्द्रध्वानान् वीक्ष्यपयोदान् दिविरम्यान् नर्तं नर्तं चारुकलापः मुदमाप्ताः रोरुयन्ते मत्तमयूरः अविरामम्। यहाँ एक अलंकार भी है जिसको हमारे यहाँ संस्कृत में मुद्रा अलंकार कहते हैं, अर्थात जिस छंद में रचना की गई है उस छंद का भी एक वहाँ पर वो लेख आ जाए, और वो लेख छंद के नाम के लिए नहीं हो बल्कि प्रसंगवश आ जाए, जो वर्ण विषय है उसके अनुसार आ जाए। हम मत्तमयूरों का वर्णन कर रहे हैं और छंद भी मत्तमयूर है, इसलिए मत्तमयूरा है, ये हमने उस छंद का भी प्रयोग कर दिया, साथ में उसके छंद का नाम भी इसमें आ गया, प्रसंगतः आ गया, साक्षात नहीं उसका प्रयोग किया। रम्ये रण्ये सब प्रमदम कामम अटंतो, देखिए ये नाचने का साथ एक स्वर इसमें आ रहा है। रम्ये रण्ये सब प्रमदम कामम अटंतो, सब प्रमदम में श्लेष भी है, प्रमदा भी सह इति सब प्रमदम, प्रमदम सहर्षम इति, प्रमद जो शब्द है
एक तो प्रमदा के रूप में है, वो जो समास करेंगे तो सब प्रमदम बन जाएगा, और एक प्रमद शब्द का अर्थ है हर्ष है, तो सब प्रमदम का अर्थ है वो प्रसन्न हो करके, आनंद मग्न हो करके, सब प्रमदम, प्रमद सम्मदौ हर्षे, ये अमरकोश में प्रमद शब्द का अर्थ बतलाया गया है। तो सब प्रमदम में ये प्रयोग भी, ये सब 11.5 वर्ष की अवस्था, रण में रण्ये सब प्रमदम काम मटंतो मंद्रध्वानान वीक्ष पयोदान दिविरम्यान नर्तम नर्तम चारुकलापा मुदमाप्ता रोरुयन्ते मत्तमयूरा अभिरामम। इसी तरह से बसंत ऋतु का वर्णन बसंत तिलका छंद में, शरद ऋतु में वृक्षों से पत्ते झड़ने लगते हैं तो उनका वृक्ष से वियोग होता है, तो इसका वर्णन भी वियोगिनी छंद में। तो इस प्रकार का ये छंद प्रयोग का जो औचित्य है, वो ज्ञान उस समय किस तरह से था, ये स्वयं में अपने एक विस्मय की बात है। आपने अपनी काव्य यात्रा इतनी कम उम्र में आरंभ कर दी, और अभी भी आपने जो है बहुत ही खंड काव्य, महाकाव्य और बहुत सी, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आप विविध विधा निपुण हैं। बहुत लिखा अब तक, सब मिलाकर के 6000 से अधिक पद मेरे प्रकाशित हो चुके हैं। दूसरी मेरी धारा है वो समीक्षात्मक रचना की। मैंने दोनों ही धाराओं में मैंने अपना लेखन किया। जो समीक्षात्मक धारा है उसमें मेरा एक ग्रंथ है जो बहुत चर्चित हुआ, द रामायण ए लिंग्विस्टिक स्टडी, वाल्मीकि रामायण का, या कहा जाए कि न केवल वाल्मीकि रामायण का ही अपितु किसी भी संस्कृत ग्रंथ का भाषा शास्त्रीय अध्ययन, ये पहली बार किया गया। मेरे सामने कोई आदर्श ग्रंथ नहीं था इस तरह का अध्ययन करने के लिए, इसको मॉडल हम लोग कह सकते हैं, तो मेरे लिए कोई मॉडल नहीं था, मुझे स्वयं अपना मॉडल बनाना था, वो मैंने बनाया। और इसके बाद जो है वो और बहुत से लोगों ने अपने भाषा शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत किए, अलग अलग संस्कृत के ग्रंथों के, मार्कंडेय पुराण ए लिंग्विस्टिक स्टडी, इसी तरह से भागवत पुराण ए लिंग्विस्टिक स्टडी, तो वो ग्रंथ जो था मेरा एक मानक ग्रंथ बन गया। यहाँ तक स्थिति थी कि जो पश्चिम के देशों में मेरी पहचान वो ग्रंथ बना, मौलिक ग्रंथ नहीं, लेकिन मेरा, अगर आप किसी से भी वहाँ पाश्चात्य विद्वान से चर्चा करेंगे मेरे बारे में, तो वो कहीं अच्छा, जिन्होंने वो ग्रंथ लिखा है द रामायण लिंग्विस्टिक स्टडी, 8 वर्ष प्रतिदिन 12 घंटे के हिसाब से मैंने उस पर श्रम किया था। The 24,000 stanzas of the Valmiki Ramayana I have studied from all points of view, phonological, morphological, semantical and syntactical. उसका प्राकथन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने लिखा था, और भाषाविद थे, हाँ, बहुत बड़े भारत के भाषाविद थे, और उसकी भूमिका डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा ने लिखी थी, जो 36 भाषाएं जानते थे, और उन्होंने अपने इस इंट्रोडक्शन में लिखा है कि दिस इज ए चैलेंज टू मॉडर्न इंडो आर्यन लिंग्विस्टिक्स। तो शास्त्री जी कवि, महाकवि, वैयाकरण और इस तरीके के विविध विधा में पारंगत हैं, आप ये बताएं कि इन सब के लिए आपने क्या तैयारी की, या ये जो अनुशासन आपने जो बनाए रखा है लेखन का, जीवन का, क्योंकि शास्त्री जी के इस साक्षात्कार में हमने इनके जीवन के बहुत से पक्षों को जाना है, बहुत से ख्यात प्रख्यात इनके शिष्य प्रशिष्य भी हैं, तो आपसे ये निवेदन करेंगे कि ये सारा जो कार्य आपने किया है इसके पीछे आपकी पूरी साधना तपस्या क्या है। वो एक लगन है कहा जाए कि बस, मेरे रामायण के विषय में तो एक प्रसंग और है, ये मेरी प्रवृत्ति इधर किस तरह से हुई। 1968 में मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तब मेरी अवस्था 37 वर्ष की थी। इतनी कम उम्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वालों में, यानी जो कतिपय साहित्यकार थे, यानी उनमें मेरा नाम आता है। तो उस समय एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक था, तो वहीं के एक महाविद्यालय में, तो मेरे पिताजी ने एक रहस्योद्घाटन किया जिसकी जानकारी मुझे स्वयं भी तब तक नहीं थी।
हमारे यहाँ एक परंपरा है जो प्राचीन पद्धति का अनुसरण करते हैं जो संस्कारी परिवार में, कि किसी न किसी जब बच्चा होने वाला होता है तो किसी न किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ किया जाता है, चाहे वो भगवद गीता है, चाहे वो भागवत है, चाहे वो रामायण है। तो मेरे पिताजी ने संपूर्ण वाल्मीकि रामायण सातों के सातों कांड मेरी माताजी को सुनाए थे। तो गर्भस्थ ही जब मैं था तभी मैंने वो सुन लिए होंगे। तो यही कारण है कि कविता की ओर भी मेरी प्रवृत्ति हुई और उसमें भी विशेष करके रामायण की ओर मैं उन्मुख हुआ। एक निवेदन आपसे और ये करना चाहेंगे कि एक लेखक को सशक्त होने के लिए, एक कवि को सशक्त होने के लिए किसी भी विधा में कोई लिखे तो उसको क्या तैयारी करनी चाहिए? तैयारी नहीं होती। मैंने एक जगह अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करते हुए कहा था कि कवि को बनाया नहीं जाता है, कवि को गढ़ा नहीं जाता है, कवि स्वयं में पहले से भगवान ने ही उसकी रचना कर दी होती है। कवि के पास जो सबसे अधिक जो साधन है उसका, वो उसकी प्रतिभा होती है। इसी को हमारे एक आलंकारिक आचार्य ने कहा है, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतंच बहु निर्मलम अमंदश्चाभियोगोस्या कारणम काव्य संपदा है। यह काव्य की उत्पत्ति किस तरह से होती है, सबसे पहले इसके लिए आवश्यकता होती है प्रतिभा, वो भी नैसर्गिकी प्रतिभा, स्वाभाविक सहज या अपने आप भीतर से ही निकलती है कविता जो है, प्रस्फुटित होती है ये। नैसर्गिकी च प्रतिभा, इसके बाद आगे है श्रुतंच बहु निर्मलम, निर्मलम बहु श्रुतम, बहुत ज्ञान अर्जित किया गया जो निर्मल ज्ञान है। निर्मलम नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतंच बहु निर्मलम अमंदश्चाभियोग, और निरंतर कविता की रचना करते जाना, निरंतर उसमें लगे रहना। कारणम काव्य संपदा, कारणम में एक वचन का प्रयोग किया है, ये उसी तरह का जैसे आचार्य मम्मट ने कहा था कि एक मिला करके इति हेतुस्तदुद्भवे, हेतु शब्द का उन्होंने भी प्रयोग किया है। यहाँ आचार्य दंडी का मैंने उद्धृत किया है, आचार्य दंडी मम्मट से पूर्ववर्ती हैं, तो जो बात दंडी ने कही वही बात मम्मट ने भी कही है, इति हेतुस्तद तदुद्भवे, तो वो सब मिला करके जो है, सब मिलकर के सम्मिलित रूप में ये काव्य की उत्पत्ति में कारण बनते हैं। तो सबसे पहले तो नैसर्गिक प्रतिभा, प्रतिभा होगी तो ठीक है, उसके बाद तो फिर आगे जो है, आगे उसके उपबृंहण मात्र है, आपको ज्ञान भी होना चाहिए, और फिर इसका जो है लोकशास्त्र का व्याद्य वीक्षणात् जो मम्मट ने कहा है, और फिर ये निरंतर अभ्यास करना है, अभ्यास शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है वहाँ दंडी ने, अभियोग शब्द का प्रयोग, अमंद निरंतर, उसकी गति मंद नहीं होनी चाहिए, निरंतर लेखन जो है वो चलता रहना चाहिए, तो फिर काव्य की सृष्टि होती है। और फिर जो सर्वोत्कृष्ट काव्य वो होता है जिसकी रचना करने के बाद कवि स्वयं विस्मित होकर के कह उठता है कि मैंने क्या रचना कर डाली, मैंने क्या कह दिया, किमिदं व्याहृतं मया। वाल्मीकि हमारे महाकवि कहे जाते हैं, आचार्य आनंदवर्धन ने कहा है ध्वन्यालोक में कि परम अस्मिन परंपरा वाहिनी संसारे, अस्मिन अविच्छिन्न परंपरा वाहिनी संसारे वाल्मीकि व्यास कालिदास प्रभृतयः द्वित्रः पंचशा एव महाकवे इति गण्यन्ते। इस संसार में पता नहीं कब से वो चला आ रहा है, उसमें परंपरा वाहिनी संसारे वाल्मीकि व्यास और कालिदास इत्यादि दो या तीन या पांच या छह ही महाकवि हैं जिनको महाकवि के रूप में गिना जाता है, गण्यन्ते, उनको महाकवि के रूप में माना जाता है। तो वाल्मीकि वो थे जो हमारे यहाँ महाकवि थे, और उनकी भी कविता इसी तरह से निकलाई थी। तो जी, आपके बहुत ख्यातनाम शिष्य प्रशिष्य भी रहे हैं,
तो आप कुछ के बारे में बताएंगे कि संस्कृत के माध्यम से उनसे जुड़ाव हुआ या कैसे उनके साथ आपने अपनी प्रतिभा का? देखिए, मुझे अनेक देशों में अभ्यागत आचार्य के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। 3 महाद्वीपों के 6 विश्वविद्यालयों में मैंने विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। 3 बार तो मैं थाईलैंड में गया, वहाँ की महाराज कुमारी को मैंने संस्कृत पढ़ाई, राज परिवार में संस्कृत का प्रवेश कराने का सुअवसर और सौभाग्य मुझे मिला। उन्होंने संस्कृत का बहुत अच्छा अध्ययन किया, संस्कृत में उन्होंने MA की, फिर PhD की उपाधि भी ली। अभी कुछ समय पूर्व राजकुमारी जी यहाँ भी पधारी थी। जी, आई थी मुझे यहाँ। भारत सरकार ने एक जो प्रथम संस्कृत पुरस्कार है वो उन्हें अर्पित किया था, बहुत बड़ा समारोह हुआ था या प्रवासी भारतीय भवन में। तो इस तरह से एक आपकी पुस्तक का लोकार्पण भी तब किया गया। लोकार्पण भी हुआ था। तो मैंने एक पुस्तक वहाँ लिखी थी, आपने बहुत अच्छा ये प्रसंग प्रारंभ किया। जब मैं वहाँ बैंकॉक में कार्यरत था तो मेरा संपर्क वहाँ एक ऐसे संप्रदाय से हुआ जो अपने आप को ब्राह्मण कहता है। वो उनकी एक बड़ी सुदीर्घ परंपरा है, उनके राजगुरु हैं, उनके विधि विधान हैं, कर्मकांड है, उनका अपना इतिहास है और उनके अपने मंदिर हैं, विधि ग्रंथ हैं। तो उनके बारे में कहीं कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी मुझे। तो मेरे मन में आई, मैंने कहा कि इसके बारे में भी विशेष जानकारी प्राप्त करनी चाहिए क्योंकि उस संप्रदाय की बहुत बड़ी भूमिका है वहाँ। राज्याभिषेक की तिथि जो है महाराज गुरु ही निर्धारित करते हैं, राज्याभिषेक भी वही कराते हैं, हालांकि बौद्ध देश है वो, लेकिन वहाँ पर जो ब्राह्मण परंपरा है वो बहुत अभी तक सक्रिय है। तो उस संप्रदाय के बारे में हम लोगों को कोई ज्ञान ही नहीं है, तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन कोई सामग्री मुझे कहीं भी उपलब्ध नहीं थी, तो मेरे सामने केवल एक ही रास्ता था कि महाराज गुरु से संपर्क करके उन्हीं से वो सामग्री प्राप्त की। मैं उनसे मिलने के लिए गया, तो मैंने कहा कि मैं आपसे समय चाहता हूँ और आपसे कुछ जानकारी भी प्राप्त करना चाहता हूँ, आप ही के बारे में, आपका किस तरह का इतिहास है और आपके किस किस तरह के धर्म ग्रंथ हैं। तो उन्होंने कहा कि दिन भर तो मैं तत्त्व विधि कराने के लिए जो है वो मैं प्रोविंसेस में चला जाता हूँ बाहर, और रात को 9-9:30 बजे के लगभग मेरी वापसी होती है। इसके बाद स्नान आदि करके भोजन भी करना होता है। तो आप ऐसा कीजिए, रात को 11 बजे मेरे पास आइए। अब मैं बहुत दूर रहता था वहाँ, वो ब्राह्मण मंदिर है बैंकॉक के भीतर ही, तो बोध फ्राम कहते हैं उसको, जब ब्राह्मण का शब्द का थाई भाषा में उच्चारण है फ्राम करके हो जाता। 20 किलोमीटर का अंतर वहाँ पर अवश्य होगा जहाँ मेरा आवास था और जहाँ महाराज गुरु का आवास था। मैं 10 बजे के लगभग अपने घर से निकलता था और 11 बजे ठीक उनके यहाँ पहुँच जाता था और उनसे बातचीत मेरी प्रारंभ हो जाती थी, जो कि रात के 2 बजे तक, कभी कभी 3 बजे तक भी चलती थी। और कभी भूख लगी तो एक केला खा लिया या एक कप दूध पी लिया, और वो चर्चा निरंतर चलती रहती थी। मैं अपनी एक डायरी अपने साथ में ले जाता था और जो कुछ वो बोलते थे सब वो लिखता जाता था, और इस तरह से यानी फ्यूरियसली लिखता था कि एक भी जो उनका शब्द है वो कहीं मुझसे मिस ना हो जाए। और वो सारा मैं वो लिखता गया। अब ये क्रम जो है वो हफ्तों महीनों चला, और उसके बाद उसके आधार पर जो वो मैंने जो नोट्स लिए हुए थे, मैंने एक ग्रंथ की रचना की। पहले मैंने उसे हिंदी में लिखा, थाई देश के ब्राह्मण। तो फिर इसके बाद मैं भारत आ गया, मेरा वहाँ का कार्य समाप्त हो गया। तो उनके एक निकट के ही एक और भारतीय मूल के व्यक्ति थे, तो महाराज गुरु ने उनसे चर्चा की कि यदि इसका अंग्रेज़ी में भी अनुवाद हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो यहाँ हिंदी नहीं जानते हैं या और देशों के लोग हैं, भारत में तो चलिए हिंदी का प्रचार है, लोग समझते भी होंगे, लेकिन भारत में भी बहुत से ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के लोग हिंदी नहीं जानते हैं, तो वहाँ उनकी भी जानकारी के लिए, और दूसरे जो देश हैं यूरोप इत्यादि हैं वहाँ भी
उन लोगों को भी हमारे बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसका ग्रंथ का अंग्रेजी में यदि अनुवाद हो जाए तो और बहुत अच्छा होगा। तो उन सज्जन ने, वो मेरे भी मित्र हैं, तो उन्होंने मुझसे चर्चा की कि महाराज गुरु की इच्छा है कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद करा दिया जाए। और उनका वहाँ वही स्थान है जो हमारे यहाँ शंकराचार्य जी का स्थान है। तो मैंने कहा तो ये तो इच्छा क्या, ये तो मेरे लिए आदेश है, मुझे इसका पालन करना है। हम जिस परंपरा के हैं, हमारे धर्मगुरु धर्माचार्य जो हमसे कहते हैं, हमें उस उनके आदेश का पालन करना। तो वो दृष्टि से फिर मैंने कहा मैं स्वयं ही क्यों ना कर दूँ उसको। और फिर मैंने उसको कलम ली, ये 1 जून की बात है, ये मैंने उसका अनुवाद करना प्रारंभ किया। 30 जून को मैंने कलम रख दिया, अनुवाद पूर्ण हो चुका था। तो ये, और मुझे ये लगा, मैंने कहा शायद अच्छा ही हुआ कि मैंने स्वयं उसका किया, क्योंकि यदि लेखक स्वयं अपनी कृति का अनुवाद करता है तो वो अपने जो उसका भाव है वो जिस तरह से वो प्रकट करने में सफल होता है, वो शायद दूसरा अनुवादक जो है वो उस करने में सफल नहीं भी हो पाए। टैगोर ने भी यही किया, उन्होंने गीतांजलि तो बंगला में लिखी थी, लेकिन फिर उसका स्वयं ही उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, बाद में फिर उसको उस पर नोबेल प्राइज भी उनको मिला था। अनुवाद और स्रोत भाषा दोनों का ज्ञान यदि लेखक को हो तो कार्य बहुत अच्छी तरह संपन्न हो सकता है। अनुवाद का कार्य भी मैंने बहुत किया अपने जीवन में, अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया मैंने, जो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया, संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया, अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद किया, बहुत अनुवाद किया। अनुवाद का भी मुझे सर्वोच्च भारत का पुरस्कार मिल चुका है। मैंने बहुत कार्य किया, सैकड़ों सैकड़ों पृष्ठों में मैंने अनुवाद किया। तो अनुवाद के एक बार जब पुरस्कार मिला तो एक पत्रकार मेरे पास आ गए और वो कहने लगे कि आप अनुवाद के विषय में यानी एक वाक्य में बताइए कि उसके लिए क्या आवश्यक होता। पर उनकी कंडीशन ये थी एक ही वाक्य में बताना है, इसका विस्तार नहीं करना है। तो मैंने उसमें यही कहा कि यानी अनुवाद में यानी भाव मूल के होते हैं और भाषा अनुवादक की, इतना ही। भाव जो है उसको उनको तदवस्त रखना होता है, उसमें भाव में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो जिस भाषा में अनुवादक अनुवाद कर रहा है उस भाषा के स्वारस्य का भी उसमें पालन होना चाहिए। तो इस तब वो जो अनुवाद है वो श्रेष्ठ अनुवाद माना जाएगा। कुछ लोगों को ये लगता है कि कुछ नई विधाएं हैं जैसे दैनंदिनी वगैरह यानी डायरी लेखन वगैरह, परंतु हम देखें कि बाण भट्ट का साहित्य, संस्कृत का पुरातन साहित्य हम देखें, तब हमें ये लगता है कि वहाँ पर इस तरह के वर्णन मिलते हैं जो ये लगता है कि किस तरह का आज का समझा जाने वाला लेखक जो है या लेखन है वो सदियों से हमारे बीच चल रहा है। और आपने भी मदीय जीवितम के रूप में अपना डायरी लेखन आधुनिक शैली में किया है, तो उसके बारे में कुछ हमें खास तौर पर बताएं। मेरी ये प्रवृत्ति रही है कि जिन विधाओं में यानी संस्कृत में लेखन नहीं हुआ या बहुत कम हुआ है तो उनमें भी लेखन होना चाहिए, तभी साहित्य समृद्ध होता है। और यह संस्कृत की विचित्र स्थिति है कि जबकि इसमें अनेक विधाओं में बड़ा विपुल साहित्य है, कविता, नाटक, चंपू, गद्य ग्रंथ, समीक्षा, समालोचना, टीका, भाष्य बहुत लिखे गए हैं, आज भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन कतिपय विधाओं में संस्कृत में लेखन नहीं है। डायरी उनमें से एक है, जबकि अन्य भाषाओं में बड़ा विपुल डायरी साहित्य है। इमर्सन्स डायरी इंग्लिश में बड़ी सुप्रसिद्ध है और हिंदी में भी बहुत लिखा गया है, डायरी में उर्दू बहुत लिखा है, रोजनामचा इत्यादि, लेकिन संस्कृत में किसी ने इधर प्रयास ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं गया किसी का। तो मैंने सोचा कि इसमें भी लिखना चाहिए। तो एक डायरी मेरी प्रकाशित हुई है लगभग 300 पृष्ठ की, दिने दिने याति मदीय जीवितम, एक एक दिन करके मेरा दिन बीत रहा है, मेरा जीवन बीत रहा है। आत्मकथा का लेखन भी संस्कृत में नहीं है, ऑटोबायोग्राफी जो है ये संस्कृत में किसी ने अब तक लिखी नहीं, मैंने इसको लिखा। पहला भाग इसका 2015 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग इसका गत वर्ष ही प्रकाशित हुआ, और तीसरा भाग जो है वो इस समय मुद्रण के लिए चला गया है। प्रथम भाग में 304 पृष्ठ हैं, द्वितीय भाग में 324 पृष्ठ हैं, और तृतीय भाग में लगभग 450 पृष्ठ हैं। सब मिलाकर के तीनों भागों में
एक सहस्र पृष्ठ का यह महाग्रंथ इस वर्ष तक पूर्ण हो जाएगा और यह पहली संस्कृत वाङ्मय की आत्मकथा होगी। दरअसल संस्कृत में थोड़ा ये चलन भी रहा है कि लोग अपने बारे में कम लिख करके सामान्य प्रवृत्तियों की ओर ज़्यादा लिखते रहे हैं। शास्त्री जी, आपसे एक निवेदन और करना चाहेंगे कि छंद और काव्यात्मक अनुशासन की आपने बात की, तो आप हमारे जो नए लोग जो लिख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ, वैसे तो नैसर्गिक की प्रतिभा होती है आपने कहा ही है, परंतु फिर भी अब चूंकि वे लिख रहे हैं और अच्छा लिखना चाहते हैं, तो काव्य के तत्व आप अपनी दृष्टि से क्या अनिवार्य मानते हैं या ऐसा उनके लिए जानना और सीखना आवश्यक रहे, उसके लिए क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? काव्य के लिए देखिए, मैं तो छंदोबद्ध रचना का पक्षपाती रहा हूँ, और क्योंकि छंद जो है वो उसका एक हमें कह सकते हैं कि आधिदैविक पक्ष है, जिसको हमारे बहुत कम लोग स्मरण करते हैं। हमारे यहाँ छंदों के भी अपने देवता होते हैं, इसलिए छंदों का रंग होता है, किस अवसर पर कौन सा छंद है ये भी हमारे यहाँ सुनिश्चित है। मंदाक्रांतना छंद है, जैसे कालिदास ने मेघदूत की रचना की, उसमें यक्ष और यक्षी के वियोग का वर्णन है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता शापेन आस्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तु हो। ये तो मैंने गद्य की तरह से पढ़ दिया, लेकिन उसका जो हर पद्य जो कि छंदोबद्ध है उस वो एक लय विशेष से उसका पाठ किया जाता है, वही मैं जो पद्य आपके सामने कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु। अब देखिए ना, विलाप की जैसे कि एक वो ध्वनि इसमें से निकल रही है, एक एक उदासी जो है इसमें झलक रही है। यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। तो ये इस तरह का जो है, इसलिए हमारे यहाँ जो छंद शास्त्र के आचार्य थे पिंगल आदि, उन्होंने कहा कि वियोगे व्यसने चैव मंदाक्रांता विराजते। वियोग के वर्णन करने के लिए और व्यसन, यदि कोई आपत्ति है किसी पर, कोई कष्ट आ पड़ा है, तो उसके वर्णन करने के लिए मंदाक्रांता शब्द, मंदाक्रांता छंद सर्वोत्कृष्ट है। तो इसलिए कौन से वर्णन करने के लिए कौन सा छंद जो उपयुक्त होगा, ये सब हमारे यहाँ पूर्व रूप से निश्चित किया। इसलिए जो आजकल लोग लिखने लगे हैं, ठीक है, उनका भी स्वागत है, एक उन्होंने नई विधा का प्रवर्तन किया है, उन्होंने बल्कि कविता क्या, अब तो अकविता भी आ गई है हमारे यहाँ, पर जब तक उसमें भी अंतः छंद या अंतः लय नहीं हो, वो प्रभावी नहीं हो पाती है, निश्चित ही बात है। एक निवेदन आपसे ये भी मैं करना चाह रही थी कि आपने जीवन में बहुत सी जगहों की यात्रा की, बहुत से संस्मरण आपने उसमें ये लिखा, आपने जो संस्कृत आयोग को जो रिपोर्ट आपने दी, क्या आपने उसमें ये भी कोशिश की है कि संस्कृत अधिकाधिक लोकप्रिय कैसे हो? उसमें बहुत विस्तार से दिया है कि क्या क्या उसके लिए उपाय किए जा सकते हैं, तो ही विचाराधीन है, सरकार के पास है, तो लेकिन संस्मरण मेरे बहुत हैं क्योंकि मैंने विदेशों में बहुत यात्राएं की और बड़े अद्भुत संस्मरण हैं। ये एक संस्मरण आपको यहाँ पर मैं सुनाना चाहता हूँ, वो मैंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है। एक बार की बात है कि मैं ट्यूबिंगन जा रहा था, मेरी नियुक्ति वहाँ पर ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में हुई थी, क्योंकि वो मुझे कुछ लंबी देर के लिए वहाँ रहना था, तो यात्रा के समय मेरे पास सामान भी अधिक था। यहाँ से दिल्ली से फ्लाइट फ्रैंकफर्ट तक जाती है, वो फ्लाइट कुछ देर से पहुँची, 12 बजे उसका समय था, शायद 1 या 1.5 बजे के लगभग वो पहुँची। तो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर ये स्थिति है कि उस एयरपोर्ट के सबसे नीचे के स्तर पर जो है लेवल पर ही एक रेलवे स्टेशन बना हुआ है, वहाँ से
मेन रेलवे स्टेशन के लिए एक शटल सर्विस चलती है ट्रेन की। मैं वो नीचे के लेवल तक पहुंच गया, मेरे पास एक सूटकेस था, एक शोल्डर बैग था, एक ब्रीफ केस था, तीन चीज़ें मेरे पास थी। किसी तरह से मैंने उसको संभाला और नीचे पहुंचा। बिल्कुल वो जो स्टेशन था वो सन्नाटा था, उसमें कोई व्यक्ति नहीं था। मैं इधर उधर देखता रहा कि कहीं से मुझे टिकट कहाँ से लेना है, इतना है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया कोई भी। इतने में जैसे 10-15 मिनट बीत गए और मैं कुछ व्याकुल सा था, तो मेरी दृष्टि पड़ी कि एक दंपति पर, पति पत्नी थे, वो वहाँ आ गए। आकृति से मुझे लगा कि वो भारतीय हैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैं पहली बार ये जर्मनी में आ रहा हूँ, यूरोप में आ रहा हूँ, और मुझे ये पता नहीं कि यहाँ टिकट कहाँ से मिलता है। कहा कि 12 बजे के बाद यहाँ पर टिकट विंडो बंद हो जाती है, यहाँ एक मशीन लगी हुई है, तो उसमें आप कॉइन डालिए तो उसमें से टिकट निकल आएगा, और टिकट लेकर के आप जो है मेन रेलवे स्टेशन बॉर्न हॉफ उसको कहते हैं, वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। अब मेरे पास तो कोई कॉइन्स थे नहीं, मैं तो डॉलर लेकर चल रहा था, तो एक्सचेंज तो मुझे अभी सब करवाना था, जो इंडियन मनी था उसको जर्मन मनी में, या डॉलर्स है डॉलर्स को जर्मन मनी में। तो फिर मैंने कहा कि मेरे लिए तो ये समस्या, कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए टिकट निकाल देते हैं। उनके पास कॉइन थे, उन्होंने डाला, एक वो लाल रंग का बटन था उसमें एक कॉइन डाला, एक हरे रंग का था उसमें दूसरा कॉइन डाला, और एक टिकट निकला, उन्होंने मुझे टिकट थमा दिया। इतने में ट्रेन आ गई, तो कहने लगे आपके पास तो बहुत सामान है, तो चलिए हम आपकी मदद कर देते हैं। तो वो एक बैग एक उनके पुरुष ने पकड़ा, वो इसमें जो एक था वो महिला ने पकड़ा, एक मैंने पकड़ा, हम ट्रेन में सवार हो गए। इसके बाद हम बॉर्नहॉफ पहुंच गए। तो वो कहने लगे कि देखिए हम आपके सामान का ध्यान रखेंगे, आप सामने बजाइए, वहाँ पर एक एक्सचेंज है, बैंक है, तो वहाँ से आप जा करके जो अपने डॉलर्स उनको जर्मन मनी में एक्सचेंज करा लीजिए, और वो वहाँ से जब आपका एक्सचेंज हो जाए तो सामने एक और विंडो है, वहाँ से जाकर आपको टिकट मिल जाएगा, जहाँ आपने जाना है वो टिकट ले लीजिएगा, तब तक हम आपके सामान का ध्यान रखेंगे। मैंने ये सब किया कराया और आ गया। तो उसके बाद कहने लगे कि आपने कहाँ जाना, मैंने कहा मैंने तो ट्यूबिंगन जाना है, ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी है, जिसमें बहुत प्राचीन समय से ही लगभग 150 वर्ष से संस्कृत का अध्ययन अध्यापन होता है, तो वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में मेरी नियुक्ति हुई थी। तो कह लें कि वो आप वो किस प्लेटफॉर्म से जाती है, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं। तो कह लें अच्छा मैं हम आपको बताते हैं। तो वो वहाँ जो खंभे हैं वहाँ पर खंभों पर पीले रंग का एक टाइम टेबल लगा रहता है, चिपका रहता है। तो उन्होंने देखा कि कहा इतने ये 31 नंबर प्लेटफॉर्म पर आपकी ट्रेन जाएगी, हम लोग एक नंबर पर थे, अब 31 हम अनुमान लगा सकते हैं कितनी दूर होगा वो। और वहाँ पर जैसे पश्चिम देश के देशों में ये स्थिति है कि वहाँ पर कोई कूली नहीं होते हैं, ट्रॉली भी कभी मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो आपको स्वयं, और रेलवे स्टेशन पर तो नहीं है, एयरपोर्ट पर ट्रॉली मिल जाती है। तो कहा कि ये तो बहुत दूर है, चलिए हम आपको वहाँ तक पहुँचा देते हैं। वो दोनों फिर मुझे वो 31 नंबर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पहुँचा दिया। अच्छा, इसके बाद पर जो उनमें से जो पुरुष थे तो वो कहने लगे कि आपको भूख लगी होगी, इस समय 2:30 बज गए हैं, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ सामान लेके आता हूँ। तो वो चले गए और वहाँ जाकर, तो इतने में जो उनकी पत्नी थी वो मुझे कहने लगी कि डू यू नो हु इज, मैंने कहा मैं नहीं जानता। कहने लगे ही इज मिहिर सेन। मैं अपने स्वाध्याय में लिखने पढ़ने में तो इतना मगन रहता था कि मुझे तत्काल ध्यान ही नहीं आया। तो अच्छा, तब उन्होंने कुछ बड़ा सा अप्रसन्न होकर के कहा कि डोंट यू नो मिहिर सेन, तब एकदम मुझे ध्यान आया। मैंने कहा हाँ, एक समाचार जो है बैनर हेडलाइंस में समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, उन्होंने तैर करके ब्रिटिश चैनल पार कर लिया था। तब मैंने कहा ये वो मिहिर सेन है जो तब से लेकर के, यानी 1 बजे से लेकर के 3:15 बजे तक लगातार मेरे साथ हैं, और लगातार मेरा सामान भी उठा रहे हैं, मेरे लिए अब कुछ खाने के लिए सामान लेकर के भी गए, लेने के लिए भी गए। तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा ये मैं तो गदगद हो गया, मैंने कहा देखिए कितने महान व्यक्ति हैं वो, यानी एक
तैराक तो थे ही, उस दृष्टि में महान थे, परंतु एक मनुष्य के रूप में भी सामान्य, एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो ही वॉज रियली ग्रेट। ट्रेन तब आ लगी वहाँ पर, तो मेरा सामान भी उन्होंने मेरा उसमें रख दिया और चलने लगे तो मेरे गले वो मिले। और मैं जब भी कभी उसको याद करता हूँ तो मेरा हृदय द्रवित हो जाता है और मैं श्रद्धा नत हो जाता हूँ उनके प्रति। और फिर मैंने कहा कि देखिए, आपने इतना सब किया मेरे लिए, एक काम मेरा और कर दीजिएगा, क्योंकि ट्यूबिंगन में मैंने जो वहाँ के लोग हैं उनको ये सूचित कर रहा था, कर रखा था कि अमुक अमुक ट्रेन से मैं वहाँ पहुँचूँगा, अब मैं उस ट्रेन से नहीं पहुँच रहा हूँ क्योंकि मुझे अब उसके बाद वाली ट्रेन से पहुँचना है, तो आप एक ये नंबर है मेरे पास, आप सूचना दे दीजिएगा कि मैं दूसरी ट्रेन से आ रहा हूँ। कभी ये नहीं हो कि वो पहली ट्रेन में आया नहीं तो ये वो सोच लें कि शायद कदाचित मैं मेरे फ्लाइट मिस हो गई है, मैं नहीं आ रहा हूँ, ये कोई इस तरह की बात उनके मन में आए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। उन्होंने ही मेरे लिए कोई व्यवस्था कर रखी होगी यूनिवर्सिटी क्वार्टर्स में, अपार्टमेंट्स में, जहाँ कहीं भी उन्होंने मुझे पहुँचाना होगा वो पहुँचाएंगे। जी जी। तो इसलिए यदि मैं अपने पहुँच भी जाऊँगा तो मुझे ये पता ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है। तो कहने कहा कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, जब मैं ट्यूबिंगन पहुँचा तो लोग लेने के लिए वहाँ पर आए हुए थे, तो मैंने कहा आपको सूचना मिल गई, यहाँ समबडी रैंग अप फ्रॉम फ्रैंकफर्ट दैट यू वुड बी कमिंग बाय सच एंड सच ट्रेन एंड सो वी हैव कम टू रिसीव यू। सो दैट वॉज द ग्रेटनेस ऑफ द मैन एंड दैट इज़ वन ऑफ माई मेमोरीज विच आई वुड ऑलवेज चेरिश फॉर ऑल माई लाइफ। बहुत सुंदर आपने संस्मरण बताया कि व्यक्ति कुछ भी हो जाए उसका मनुष्य होना कितना महत्वपूर्ण होता है। वाकई में साहित्य, संगीत और कला, इन सब का तो पारस्परिक बहुत ही जुड़ाव है। शास्त्री जी, आप के अपने शौक क्या क्या हैं? मेरा शौक तो मुख्य रूप से लिखने पढ़ने का ही रहा है, लेकिन दूसरा है कि मैं एक, जैसे आपने मनुष्य के रूप में कहा, तो कभी मेरा संगीत भी बड़ा प्रिय विषय था। मैंने बचपन में शास्त्रीय संगीत का अभ्यास करना प्रारंभ किया था, मैंने कुछ सीखा भी, फिर लेकिन अन्य विषय और सामने आ गए। तो कुछ पंक्तियां आप गुनगुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। तो ये और विभिन्न भाषाओं के गीत, ये उनको गाने की मेरी इच्छा होती थी और मैं उनको सीखने का प्रयास करता था। जब मैं छात्रावस्था में बनारस में था तो वहाँ मेरे साथ कोई इधर आंध्र के भी कुछ सहाध्यायी थे, तो वो कुछ अपनी तेलुगु भाषा में कुछ गाना गाया करते थे, तो उनसे भी एक दो पंक्तियाँ मैंने सीख ली। कोई मराठी थे, उनसे भी जो है वो मैंने सीख ली। तो उसमें एक जो राधा जी हैं वो भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा नाच देखना चाहता हूँ, तो राधा जी नाचने लगती हैं, नाचती जाती हैं, तो फिर वह थक जाती हैं, तो वो कहते हैं थक ले रे नंदलाला, मैं तो थक गई हूँ अब, और इससे मुझसे नाचा नहीं जाएगा। हमने आपकी रचनाओं में और आपके आसपास के परिवेश में खूब हरियाली भी देखी है और ऐसा लगा है कि आपका प्रकृति से भी बहुत जुड़ाव है। प्रकृति से मेरा बहुत जुड़ाव रहा है। मैं तो देखिए कि गार्डनिंग जो है वो मेरा एक इंटरेस्ट है, उसमें सो पेड़ पौधे ये सब जो है ये मेरे जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं और इनमें मैं रमा रहता हूँ, तो इनसे भी मुझे प्रेरणा मिलती है। ये मेरा एक बहुचर्चित महाकाव्य है, तो श्री राम कीर्ति महाकाव्य मैंने लिखा, 2000 पद्यों का, 25 सर्गों का महाकाव्य, इसमें थाई देश के राम कथा का वर्णन है। तो जिस घर में मैं वहाँ पर था बैंकॉक में जब मैंने इसकी रचना की, तो उस घर में वो 3 मंजिल थी, तो बीच की मंजिल में वो मेरा वो एक स्वाध्याय कक्ष था, उस तो उसके सामने एक पेड़ था, तो वो पेड़ जो था वो मैं समझता हूँ शायद मेरे लिए एक प्रेरणा का एक स्रोत था। मैं बराबर उसको देखता रहता था और उसमें जब बसंत में उसमें फूल आ जाते थे तो फूल से मुझे एक उनकी सुगंध भी बिल्कुल पास में ही था, तो वो भी जो मुझे प्रेरित करती थी। जब पत्ते झड़ते थे उसके तो वो मैं देखता था, तो एक तरह से मेरा उसमें एक आत्मीय भाव आत्मीयता से एक स्थापित हो गई थी। सही। और मैं ये सोचता हूँ कि शायद कदाचित वो जो एक महाकाव्य
जिसने कीर्तिमान स्थापित किया है, जिससे 12 पुरस्कार जो हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुझे उसी कृति पर मिले हैं, और भारत की और विदेश की 10 भाषाओं में इसका अनुवाद भी हो प्रकाशित हो चुका है। जी, जिस तरह से देह यष्टि को आपने साध रखा है, उसे देख करके लगता है कि आपने विदेश की जो कर्म धुरीण संस्कृति है, आपने उनको भी आत्मसात किया है, तो आपके इस स्वास्थ्य का और इस प्रसन्न वदनता का राज क्या है? आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, जैसा कि भगवान ने कहा है कि मैं अपने में बहुत प्रसन्न रहता हूँ, संसार में क्या हो रहा है इसमें उससे मेरा बहुत अधिक सरोकार रहा नहीं जीवन में। संसार में रहते हुए भी मैं संसार से कुछ अलग सा ही रहा, इसलिए जो है यहाँ की गतिविधियाँ मुझे अधिक प्रभावित कर ना पाई, यानी मैं अपना सुखी रहा, अच्छा रहा। मैं इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक जीवन शैली मैंने अपनी अपना ली जी, और मैं डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा का इस दिशा में अनुयायी हूँ। वो यह कहा करते थे कि जब मैं चिंतन करता हूँ, जब मैं कुछ लिखता हूँ, तो मैं इस भूलोक में नहीं होता, मैं सितारों में होता। वाह, तो आप नियमित रूप से व्यायाम या ये सब चीज़ें? हाँ, ये मैं करता हूँ, लेकिन मैं जितना नियमित मुझे करना चाहिए मैं कर नहीं पाता। यही कारण है कि मेरा शरीर जो है अब उतना सुदृढ़ नहीं रहा। नहीं, फिर भी इस 90 वर्ष की अवस्था में इतना सक्रिय रहना भी कम बात नहीं होती, जहाँ तक मैं समझती हूँ। आप ये बताएं कि विदेश में भोजन निर्माण वगैरह या ये सब कार्य अपने घर में भी आप करते रहे, जैसा कि आपने हमें बताया? हाँ जी, वो तो यह कि मैं शाकाहारी हूँ, इसलिए जब मैं कहीं भी रहा तो मैंने स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाया। हाँ जी, और इसी तरह से मैं अपना जीवन मैंने सर्वत्र, ये केवल जर्मनी की बात नहीं, जब मैं बेल्जियम में था तो भी मैंने यही किया, और थाईलैंड में था तब भी मैंने यही किया, अपने हाथ से बना था, खाता रहा और आनंद से रहा, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। जी, संस्कृत भाषा और इसके पठन पाठन की ओर ज़्यादा रुझान हो, इसके लिए आप क्या हमारे दर्शकों को टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो सबसे पहले कहना ये है कि जो हमारा समाज है उसको संस्कृत के महत्व को बतलाना आवश्यक है। हमारे पास बहुत बड़ी निधि है, एक ट्रेजर है, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं है, हम जानते ही नहीं हैं, तो उसके महत्व को हम क्या समझेंगे? एक कमरे में मैंने बंद करके रख दिया सारा सामान, जिसमें हीरे हैं, जवाहरात हैं, सोना है, चांदी है, बंद पड़ा है। बाहर बाप हैं, आपको पता ही नहीं कि इसके अंदर भीतर में है क्या। सबसे पहले तो हमारा ये कर्तव्य है, दायित्व तो बनता है कि हम अपनी जनता को बताएं कि हमारा जो अतीत है वो कितना गौरवशाली रहा है, कितना गरिमय रहा है। केवल संस्कृत के विषय में तो यही माना जाता है कि संस्कृत जो है वो धर्म की भाषा है, या कर्मकांड की भाषा है, ठीक है, या दर्शन की भाषा है, इसमें या काव्य शास्त्र और नाटक इत्यादि हैं। लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ जो प्रगति हुई है, हमारे लोगों ने जो किया है, कार्य किया है, और हम लोग इस विषय में बहुत ओपन रहे हैं, हमने जो है यथार्थ में जो हमारे जो श्रुति वाक्य है हमने उसका पालन किया है। आनोभद्रा कर्तव्य जंतु सर विश्वतः, संसार भर से जो सुविचार हैं वो हमारे पास आए। रोमन जो थे उन्होंने ज्योतिर्विज्ञान के विषय में, एस्ट्रोनॉमी के विषय में क्या विचार किया, क्या उनका चिंतन है, उस पर उन्होंने अपना मत अपना दिया है उस पर, और उसको पूरी तरह से पहले इस्टेब्लिश किया कि वो यही सोचते हैं, और हमारे चिंतन उनके चिंतन में क्या भेद है ये उसमें बताया है, और इसका प्रारंभ इस तरह से करते हैं, अथ रोमक सिद्धांतम विचारयाम। हम अब जो रोमन आचार्य हैं तो उनके सिद्धांत के बारे में अब हम विचार करते हैं, वो इस तरह से चलते, तो आनोभद्रा कर्तव्य जंतु विश्वतः, तो इसलिए ये हमारी जो भाषा है, हमारा जो वांग्मय है, वो इसलिए इतना समृद्ध रहा। संस्कृत भाषा में कितने ही संस्कृतेतर शब्द हैं। वी हैव नॉट बीन एक्सक्लूसिविस्ट, वी हैव बीन इंक्लूसिव, हमने सब दूसरे भाषाओं को शब्दों को भी अपनाया है। तो संस्कृत भाषा, कोई भी भाषा जो है, अगर उसने समृद्ध होना होता वो दूसरी भाषा शब्द लेती। ये हो नहीं सकता कि आप अपने तक ही अपने तो को सीमित रखेंगे, हमने भी शब्द लिए हैं,
हमारे यहाँ जब हिंदी का हम प्रयोग करते हैं, हम उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर्शियन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अरेबिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमारी संस्कृत के शब्दों को दूसरे देशों की भाषाओं ने लिया है। दक्षिण पूर्व एशिया की विशाल शब्दावली संस्कृत मूलक है। मेरा एक 1000 पृष्ठ का एक ग्रंथ है द संस्कृत वोकैबुलरी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, 1000 पेजेस, जिसमें बर्मा से लेकर के इंडोनेशिया तक का जो विशाल भूखंड हमारा, जिसको हम दक्षिण पूर्व एशिया कहते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया तो ये इतना बड़ा भूखंड है जिसमें 8 देश आ जाते हैं, और प्रत्येक देश की शब्दावली को देखिए आप, में संस्कृत शब्दों की भरमार है, वो उन्होंने लिए हैं हमारे यहाँ से शब्द। तो ये आपकी प्रमुख कृतियों के नाम भी हमारे दर्शकों को अगर आप बताएं तो अच्छा लगेगा। मैंने लगभग 31 ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से एक ग्रंथ जो है वो उसके 7 खंड हैं। उस ग्रंथ का नाम है डिस्कवरी ऑफ संस्कृत ट्रेजर्स इन 7 वॉल्यूम्स विद अ टोटल ऑफ 2000 पेजेस इन प्रिंट। नाउ इट कैन बी काउंटेड एज 1 वर्क और कैन बी काउंटेड एज 7 वर्क्स, इट्स अ डिफरेंट मैटर। तो ये सारा कार्य मैं अपने करता रहा। फिर मैंने 2-3 ग्रंथों की तो मैंने चर्चा की ही है, रंदे रामायण लिंग्विस्टिक स्टडी, द ब्राह्मण्स ऑफ थाईलैंड, इसको मैंने इंग्लिश में अनुवाद किया। फिर मैंने यात्रा संस्मरण भी लिखे हैं, चरण भई मधुविंदती हिंदी में लिखा है मैंने, वो 400-425 पृष्ठ का ग्रंथ है। और हंगरी में मैं गया तो हंगरी की यात्रा का संस्मरण भी मैंने लिखा, यानी हिंदी में लिखा, हंगरी कितनी दूर कितनी पास, सांस्कृतिक दृष्टि से हम उस देश के कितने निकट हैं वो भी लिखा। थाईलैंड के बारे में लिखा, तो स्टडीज इन संस्कृत एंड इंडियन कल्चर इन थाईलैंड, और थाईलैंड पर जो एक महाकाव्य मैंने राम कीर्ति महाकाव्य में लिखा, वहाँ की राम कथा पर, तो एक बोधिसत्व पर भी एक मेरा महाकाव्य है श्री बोधिसत्व चरितम, वो भी 1000 पद्यों का एक काव्य है, महाकाव्य है। एक गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह पर भी मैंने लिखा, तो गुरु गोविंद सिंह की का जीवनी और उनका दर्शन, ये सब लिखा। तो ये सब कार्य करता रहा। फिर योग वासिष्ठ पर मैंने लिखा, द लिंग्विस्टिक एंड द लिटरेरी अप्रेजल ऑफ द योग वासिष्ठ, वो मैंने इंग्लिश में लिखा। तो ये सब लिखता रहा जी। बहुत बाकी विदेशी अनेक भाषाओं को मैं जानता हूँ, जैसे जर्मन जानता हूँ, थाई जानता हूँ, थाई में लिख बोल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। बल्कि यही कारण है कि वहाँ जब मैं वहाँ थाईलैंड से चलने लगा तो मेरे लोगों ने बहुत इसमें उदास हो गए, और वो कहने लगे कि आप मत जाइए, यहाँ अपने रहिए, और क्योंकि उनकी भाषा में मैं उनकी बात उनको समझाता था। हमारे जो संस्कृत के लोग हैं, यदि वो दक्षिण पूर्व एशिया की भाषाओं का अध्ययन करें तो उनके लिए व्यवसाय के भी अनेक द्वार खोल सकते हैं। क्योंकि संस्कृत के विषय में पढ़ा करके लोगों की यही मान्यता है कि संस्कृत में कि जो एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ क्या हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या, तो ये कहते हैं कि साहब वो ज्योतिष या कर्मकांड बताते हैं। लोगों ने प्रश्न किया कि आप की ऊर्जा का स्रोत क्या है, आप इस उम्र में भी इतना कार्य कर रहे हैं। मैं आज कल भी 8 घंटे या 10 घंटे जो है प्रतिदिन श्रम करता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। अब एक बहुत बड़ी बृहद योजना को मैंने इस उम्र में अपने हाथ में लिया है, वो है दक्षिण पूर्व एशिया में रामकथा। एक एक देश में, यानी रामकथा के विभिन्न स्वरूप हैं। जैसे लाओस एक बहुत छोटा देश है, तो लाओस में उसके 4 वर्शंस मिलते हैं रामकथा के। तो इन उन सब का अध्ययन करना, फिर और उन अपने इस विषय को मैंने 3 भागों में विभक्त किया है। प्रथम तो यह है कि तत्त देश के साहित्य में रामकथा, जैसे बर्मा है तो बर्मीज लिटरेचर में रामकथा किस स्वरूप में पाई जाती है, मलेशिया में पाई जाती है, हेकाय श्री राम, ये उस नाम है वहाँ का, और रामकथा के नाम भी वहाँ अलग अलग हैं सब। एक तो ये हुआ। दूसरा है कि वहाँ की कला में, आर्ट में रामकथा है। वहाँ आर्ट भी जो है उसको भी 2 भागों में विभक्त किया। एक तो
परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, बैले, पेंटोमाइम, और दूसरा द प्लास्टिक आर्ट, द विजुअल आर्ट उसको हम कहते हैं, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, बार लीव्स, वुड कार्विंग्स। रामायण के विषय में एक संस्मरण सुनाता हूँ आपको। एक बार की बात है कि ये प्रेसिडेंट सुकर्णों का शासनकाल था, ये तब की बात है। तो उन्हीं दिनों में पाकिस्तान से एक एमपीस का डेलीगेशन वहाँ पर आया, विज़िट किया उसने। तो प्रेसिडेंट सुकर्णो ने अपने देश की संस्कृति का परिचय देने के लिए एक रामायण की प्रस्तुति का आयोजन किया, रामायण परफॉर्मेंस, अपने देश में जिस तरह की महा की रामायण है। वो दो दो घंटे, तीन तीन घंटे तक चलती है। तो वो जो एमपीस थे उन्होंने वो रामायण की प्रस्तुति, रामायण का मंचन देखा, और इसके बाद वो प्रेसिडेंट सुकर्णो से कहने लगे कि योर एक्सलेंसी, आर यू मुस्लिम? तो उन्होंने कहा यस, नॉट ओनली मुस्लिम बट ए डिवाउट मुस्लिम, आई इवन परफॉर्म्ड हज। तो कहा कि देन हाउ कम यू हैव द रामायण परफॉर्मेंस ओवर हियर? तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। उन्होंने कहा कि ऑनरेबल सर, वी हैव चेंज्ड अवर रिलीजन बट वी हैव नॉट चेंज्ड अवर कल्चर, रामायण इज अवर कल्चर। हमारे दर्शकों को इतनी नई नई जानकारी दी, और जो हमारी पुरानी भाषा, संस्कृति और साहित्य की जो विरासत है उससे भी आपने रूबरू करवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद, नमस्कार।